टीवी। खबर ये है कि पाकिस्तान के सूबे केपीके के इलाके बन्नू कैंट में अटैक हुआ है, जिसमें तकरीबन 10-12 फौजियों की जाने गई हैं, सिविलियंस की जाने गई हैं। पाकिस्तान की पब्लिक से पूछूंगा कि क्या वजह है, एक साइड पे आए दिन लोग बेरोजगारी से गुरबत से परेशान हो गए अपनी जाने दे रहे हैं, दूसरी साइड पे खबर आती है कभी यहाँ अटैक कभी वहाँ अटैक। पाकिस्तान में ये सब कुछ जो हो रहा है उसके जिम्मेदार पाकिस्तान के लोग खुद हैं, पाकिस्तान की गवर्नमेंट जिम्मेदार है, या फिर आज भी हम यही इल्जाम लगा देंगे कि जो करवा रहा है अमेरिका करवा रहा है, जो करवा रहा है इंडिया। और देखो चैंपियंस ट्रॉफी का मुद्दा भी आपको पता है कि जो है वो चल रहा है बड़ा ज्यादा, कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होनी है या नहीं होनी, फिर उस दौरान में पाकिस्तान में एक अटैक हो जाना, मतलब थोड़ा सा मामला जो है ना वो गड़बड़ होता ना। केपीके बन्नू कैंट में अटैक हुआ है, फौजियों की भी जाने गई हैं, सिविलियंस की भी जाने गई हैं। अटैक्स होना ये चैंपियन ट्रॉफी के लिए क्या ठीक है, आप मुझे ये बता दें। एक तरफ हम जो है वो इंडिया ने अगर ये बात रखी हुई है कि भाई हमें सिक्योरिटी के कंसर्न हैं, हम सिक्योरिटी की वजह से पाकिस्तान नहीं आ रहे हैं, और दूसरी साइड से पाकिस्तान में अटैक हो जाता है और 8 से 9 फौजी जवान जो आप अपनी जानों से हाथ धो बैठते हैं, फिर क्या मैसेज? इन्होंने अफगानिस्तान पे फोकस ही नहीं किया, कोई उनसे मामला तय नहीं किए, बल्कि बड़ों के ऑर्डर लेके उन पे उल्टा अटैक करने शुरू कर दिए, उन पे ड्रोन अटैक शुरू कर दिए अपनी सरहद से। हाँ। तो जब आप ऐसी हरकत करेंगे, किसी के घर में गोलाबारी करोगे तो भाई ये तो वो रिएक्शन है। आगे खदशा ये कि ऑस्ट्रेलिया भी शायद ना आए, ये पाकिस्तान के साथ पूरी दुनिया मिलकर क्या कर रही है? फैसल करीम साहब रब्ता किया और उनको यकीन दिलाने की कोशिश की कि पाकिस्तान एक सेफेस्ट मुल्क है और हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज बेहतरीन सिक्योरिटी टीम को प्रोवाइड कर रही हैं, लेकिन जाहिर है उनका फाइव आइज पर ज़्यादा ट्रस्ट था, वो एक इतिहाद बना हुआ है इंटेलिजेंस शेयरिंग का, तो वो नहीं मानी, पाकिस्तान ने तो किरदार अदा करने की कोशिश की। हेलो जय हिंद दोस्तों, एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान के अंदर जिस स्टेडियम में चैंपियन ट्रॉफी 2025 खेली जानी है उसके पास ही एक अटैक हुआ है, जिसमें कि इनके 20 जवान मारे गए हैं, 20 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। अब मामला ये है कि पहले इंडिया ने मना किया अपने सिक्योरिटी इशूज़ को लेकर कि हम वहाँ पर मतलब सेफ सुरक्षित महसूस नहीं करते, इसलिए हम पाकिस्तान खेलने नहीं जाएंगे। उसके बाद में अफगानिस्तान आया, अफगानिस्तान के बाद बांग्लादेश और अब ऑस्ट्रेलिया भी इसी बात को कह रहा है कि अब मतलब हम पाकिस्तान के अंदर जो है मतलब जो चैंपियन ट्रॉफी होने वाली है इसे खेलने नहीं जाएंगे। अब अगर देखें तो कहीं ना कहीं मामला जो है फंसता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि ये पाकिस्तान के अंदर होना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि एक एक करके जो टीमें हैं वो टीमें पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सिर्फ एक ही बात एक ही पेज पर आ गई हैं और वो कह रही हैं कि हम पाकिस्तान में ये चैंपियन ट्रॉफी नहीं खेल सकते। और मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि अब ये पलटवार होगा कि अब चैंपियन ट्रॉफी कहीं और किसी और देश में खेली जाएगी। अब इस पर पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन है, तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसके बाद इसने आकना ठीक है, ये सिस्टम ऐसे ही चलता रहेगा, लोगों की जानें जाती रहेंगी। मैं यहाँ पे वीडियो बनाता रहा हूँ, नहीं गाली हमें चलना है बगारत ना की कही और ठीक है। मुझे बताए इस टाइम इस बाइक की क्या कीमत है अंदाजन, मतलब 70 40,000 से। हाँ, और आप कितने की है? लाख तो होते हैं ठीक है, और दूसरे तो लेगा पेट्रोल कितना पाएगा? दूसरे कंट्रीज में जहाँ से आप देख रहे हैं वहाँ पे ये मतलब ये बाइक की क्या कीमत है, गाड़ी मैंने दिखाई गाड़ी की क्या कीमत है, मतलब हमारे इधर हर चीज महंगी हो रही है, पब्लिक परेशानी का सामना कर रही है। मीडिया है जी, अब हम तक खबर आगे नहीं देते, ये बिलों से हमारी जान छूट जाए या इन चोरों से जान छूट जाए, इनकी हर चीज फ्री है, अल्लाह का घर मस्जिद उसके लिए नहीं फ्री। गरीब आदमी 20,000-30,000 कमाता है उसको बेल्ट आ रहा है, अमीर आदमी को हर चीज फ्री दी हुई है। ठीक हो गया जी, देखे अवाम इस टाइम किस तरीके से गुस्से में, कोई बनना है ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आपका नाम? शाहजेब। क्या करते हैं शाहजेब भाई? मैं हॉस्पिटल में जॉब करता हूं। जॉब करते हैं, ये देखे अवाम परेशान है, और खबर जिसमें मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ केपीके बन्नू कैंट में अटैक हुआ है, फौजियों की भी जाने गई हैं, सिविलियंस की भी जाने गई हैं, क्या वजह है, ये कहाँ से मतलब ऐसे मामला होते हैं, कभी केपीके में सुनते हैं कभी कराची में सुनते हैं कभी कश्मीर में सुनते हैं, ये कौन लोग हैं जो पाकिस्तान को दिन ब दिन परेशान करते नजर आ रहे हैं, ये हम खुद हैं? कुछ कह नहीं सकते, कोई टेररिज्म भी हो सकती है। हाँ ठीक है, लेकिन उसे कंट्रोल किसने करना है? वो तो जाहिर है हुकूमत ने करना है। ठीक है, लेकिन हुकूमत मेरा ख्याल है कि किसी कोई भी किसी काम की नहीं है। ठीक हो गया, कि कोई एक होता है ना कि कोई एक जो है वो PMLN अगर आई कोई है तो भी कोई भी है वो किसी काम की नहीं है, कोई भी किसी काम का। ठीक है, एक साइड पे अवाम गुरबत से परेशान है, बेरोजगारी से मर रही है परेशान है, दूसरी साइड पे ऐसे अटैक होंगे, क्या लगता है हम आज भी आंखें बंद करके बस ये कह देंगे अमेरिका करवा रहा है इंडिया करवा रहा है, या अपनी भी गलतियों को देखना चाहिए? हमें चाहिए कि हम अपनी गलतियों को देखें, किसी पे ब्लेम
जो है ना वो ठीक नहीं है। हम इंडियंस को नहीं कह सकते, अगर उनके हिसाब से देखें तो उनकी भी चाइना के साथ नहीं बनती, इधर उधर के मुल्कों से नहीं बनती, लेकिन आज वो किधर है हम किधर है ये देखें। ये बड़ी टेक्निकल बात की है कि वो ये नहीं ब्लेम करते जी हम आगे इसलिए नहीं जा पा रहे कि हमारा चाइना दुश्मन साथ बैठा है, पाकिस्तान साथ बैठा है, वो अपना काम करते जा रहे हैं और हम आज भी यही करते हैं। हम सिर्फ ब्लेम करना जानते हैं, हम खुद पे कुछ भी नहीं करते। तो ऐसे बेहतरी आ सकती है यानी कि मैं आप पे इल्जाम लगाता जाऊं, इन पे लगाता जाऊं और कल को चेंज आ जाए, कुछ पॉसिबल है ऐसा? हमारे मुल्क में जो ना छोटे से बड़े तक यही है, किसने किया, एक दूसरे पे इल्जाम लगा दो। हाँ, अपने पे जो है वो अपनी गलती तस्लीम नहीं करते। ठीक है, आने वाले टाइम में क्या लगता है अवाम में अवेयरनेस आएगी, गवर्नमेंट बेहतर होगी और पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाएगा? सर आने वाले टाइम में असल में हम तो यहाँ पे रहना नहीं चाहते ना, पाकिस्तान में रहना ही नहीं चाहते, जाहिर है, क्योंकि यहाँ के हालात तो बेहतर हो ही नहीं सकते। हमारी ना हमारी 1 लाख+ पे है। अच्छा, तो फिर आप ये कह रहे हैं एक लाख से ज्यादा सैलरी आपकी? बिल्कुल। तो फिर भी ये कह रहे हैं गुजारा नहीं है ना इतने में? तो ये सोचे जो आम आवाम जो 20-30 हजार कमा रही है वो क्या सोच रही होगी? यही तो हम सोच रहे हैं कैसे गुजारा कर रहे हैं। चले जी आइए मजीद किसी से बात करते हैं, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहसिन खान। मोहसिन भाई क्या करते हैं? मेरा हार रोड पे होलसेल का काम है। जबरदस्त हो गया, बिजनेस कैसा चल रहा है? बिजनेस ओवरऑल जो पूरे मुल्क में स्लम आया हुआ उसकी वजह से सबके कारोबार डिस्टर्ब हो गए, डिस्टर्ब है। अच्छा, जो जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, अभी ये खबर ये आई है कि केपीके कैंट में, बन्नू कैंट में अटैक हुआ है जिसमें 8 कह रहे हैं, कुछ लोग 12 फौजी जवानों की जाने गई हैं। और क्या कहना चाहेंगे, कुछ लोग अटैक से मर रहे हैं, कुछ लोग पाकिस्तान में गुर्बत से मर रहे हैं, कुछ लोग बेरोजगारी से मर रहे हैं, इसके जिम्मेदार कौन है और ये वजह क्या है इसकी? जो ओवरऑल सिनेरियो नजर आ रहा है, पाकिस्तान आलमी सतह पे एक किस्म का तन तनहा रह गया है। ठीक है, कोई भी बाहर के ममालिक कोई भी है ना वो पाकिस्तान को किसी भी तरह से सपोर्ट देने से इनकार कर रहे हैं। और जैसे उसकी वजह जो सूरत हाल पिछले 2 सालों में इन्होंने आवाम के साथ सलूक किया है, और अभी जो रिसेंटली पिछले 2 माह में लोगों को बिजली के बिलों में, पेट्रोल में, इन चीजों में उलझा के रखा है, आटे में उलझा के रखा है, कि अवाम इन चीजों से बाहर ही निकल नहीं पा रही। ठीक है, अफगानिस्तान के जो टीटीपी है या मतलब वो ये कहते हैं टीटीपी पाकिस्तान, वो ये कहते हैं कि भाई हम जिम्मेदारी अगर एक्सेप्ट करते हैं, क्या वजह है वो हमसे नाराज क्यों है अगर ऐसे अटैक हो रहे हैं या वो कर रहे हैं? देखें जी, लोग कहते हैं नाम ना ले, हम नाम लेंगे तो बड़ा कुछ होता है, लेकिन मैं उस बात सीधी है, खान साहब आए, 2 दफा OIC का इजलास पाकिस्तान में हुआ, पूरी दुनिया के 57 कंट्रीज के मुस्लिम ममालिक के हेड ऑफ स्टेट यहाँ पे आए हैं, और अफगानिस्तान के साथ बड़ा अच्छा जो उनसा रिलेशन बिल्ड हो गया। ठीक है, और ये जब आए हैं इन्होंने पहले वजीरे खारजा वो बिलावल आई थिंक बना, उसके बाद अभी मेरा ख्याल है इसहाकदार साहब बने हैं, जो भी है। बना, इन्होंने अफगानिस्तान पे फोकस ही नहीं किया, कोई उनसे मामला तय नहीं किए, बल्कि बड़ों के ऑर्डर लेके उन पे उल्टा अटैक करने शुरू कर दिए, उन पे ड्रोन अटैक शुरू कर दिए अपनी सरहद से। हाँ। तो जब आप ऐसी हरकत करेंगे, किसी के घर में गोलाबारी करोगे तो भाई ये तो वो रिएक्शन तो आएगा, लेकिन हम फिर भी इस चीज की मजम्मत करते हैं जो हमारे जवान शहीद हुए हैं, क्योंकि ये वो मुहाफ़िज़ हैं जिन्होंने हम बॉर्डर पे पाकिस्तान की जो बॉर्डर लाइन है उसकी हिफाजत करनी है। ठीक है, हम अच्छा इधर एक चीज ये भी है, आपने जैसे बोला कि अगर यहाँ से कोई एक्शन होगा उधर से रिएक्शन आएगा, हम अक्सर ये कह देते हैं नहीं जी वो अफगानिस्तान वाले तो इंडिया के साथ मिले हैं, अगर बलोचिस्तान में कुछ होता है हम कहते हैं जी वो इंडिया मिला है, इंडिया ऐसा करता है। मुझे बताएं इंडिया इधर केपीके में या इंडिया बलोचिस्तान में करेगा, लाहौर में कुछ नहीं, जो कि लाहौर दिल है पाकिस्तान का, इधर क्यों नहीं, मतलब उन इलाकों में क्यों अगर लेट्स सपोज वो करता है? जो बेसिकली देखा जाता है आसान टारगेट, और जैसे 2013-14 में वजीर आला पंजाब थे हमजा शहबाज शरीफ साहब थे, और इन्होंने कहा था तालिबान से, रिक्वेस्ट की थी कि आपने जो भी अटैक करने आप केपीके में करें, आप बलोचिस्तान में करें, अच्छा। आपकी मेहरबानी आप पंजाब में ना आए। ठीक है, तो ये हमारे हुक्मरान जब अपने आप को ऐसा एक सर्कल बना के रखेंगे, ठीक है, तो फिर उन्होंने तो अपना एक हिस्से का देखना ना, ओवरऑल कंट्री का तो सोच ही नहीं ना रहे। ठीक है, ये तो नाराजगियां खत्म हो सकती हैं, मतलब इंसानियत की जान जाती है, चाहे वो पाकिस्तान में जाए, चाहे वो इंडिया साइड में अटैक हो, उधर जाए कश्मीर में अटैक हो, जैसे कुछ दिन पहले वहाँ पे हुआ उनके भी 2-3-4 जवानों की जाने गई, मतलब आ जाके इंसान मार रहे हैं।
फैमिलीज के हेड मार रहे हैं। लाइक अगर कोई यहाँ पे फौजी जवान है या वहाँ पे फौजी जवान है, उसकी जान जाती है, उसके पूरे फैमिली की डिस्टर्ब होती है, तो ये हल कैसे होगा? बॉस देखें, आप हम कश्मीर की बात कर रहे हैं, अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं, आई डोंट नो हम लोग क्यों फलस्तीन की बात नहीं कर रहे। अच्छा, वहाँ पे इतना ज्यादा ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हुई है, इतनी ज्यादा वायलेशन हुई है, मुस्लिम कंट्रीज होके बैठी हैं। ठीक है, इतने ज्यादा, अभी मैं कह रहा हूँ 600 मिलियन, अच्छा 600 मिलियन डॉलर और 6 माह का वक्त लगेगा उसका मलबा साफ करने में, 600 मिलियन डॉलर। ठीक है, इतना बड़ा हादसा, इतना बड़ा हादसा 600 मिलियन डॉलर। कल के अटैक में 358 शहीद हुए हैं वहाँ पे, कल के अटैक में। अच्छा, ये एक दिन का पाकिस्तान अटैक है। इसके लिए क्या कर रहा है या क्या कर सकता है? अगर मैं आपसे पूछूंगे, लो जी चलें, अगर आप पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर होते हैं, आप क्या कर सकते हैं? वो कदीर, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब की बात मुझे याद आ गई। कदीर साहब सिर्फ ना मिसाइल की रेंज बढ़ाना चाह रहे थे, और हमारे जो बड़े पावरफुल लोग थे, उन्होंने मना कर दिया था कि 5,000 की जगह आप 15,000 क्यों लेके जा रहे हैं, 5,000 का डिफरेंस, क्योंकि तब ये बताया जाता था हमारा दुश्मन तो इंडिया है। हाँ। मतलब ये बताया जाता था इंडिया की ये साथ है, उधर तक हमने अटैक करना है, आप 15,000 क्यों लेके जा रहे हो, ये और ये सिर्फ अपने मिसाइलों के रुख अगर उस तरफ मोड़ देना, अच्छा मोड़ दे तो ये जंग उसी वक्त खत्म हो जाए। नहीं, लेकिन नहीं देखे ना, एटमी ताकत है, अच्छा हमारा मुल्क एटमी ताकत है, मुस्लिम ममालिक में से वाहिद ऐसी पाकिस्तान की रियासत है जो एटमी ताकत है, लेकिन